नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कृषक मशरूम फार्मिंग एवं ट्रेडिंग सेंटर भगवानपुर बनकट इकोना श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्वागत है। मोबाइल नंबर 99194487। आज हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि मशरूम बोने के बाद, बिजाई करने के बाद बेड के ऊपर पेपर ढका जाता है और पेपर ढकने के बाद उस पर पानी का स्प्रे किस प्रकार करना है, कितना पानी हमको डालना है, दिन में कितनी बार पानी डालना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। किस प्रकार हमको पानी डालना है, क्योंकि पेपर हल्का होता है और जब हम हाई स्पीड में पानी डालेंगे तो पेपर उड़ने लगेगा और पेपर उड़ जाने के बाद अगर पानी मेरा कंपोस्ट पे पड़ेगा तो उस पर जो स्पोन हमने डाल रखा है वो स्पोन मर जाएगा पानी की वजह से। इसलिए बहुत ही हल्का फुहारा से हम पानी डालेंगे ताकि मेरा पेपर भी ना उड़े और मेरा पानी भी पड़ जाए। पेपर को 24 घंटे हमको गीले रखने की कोशिश करना है, इसलिए कम से कम दिन में 3 से 4 बार पानी का स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि अभी मौसम गर्म है, टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिन में रहता है, इससे पेपर बहुत जल्दी सूख जाता है और पानी की मात्रा हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए दिन में 2-3 बार अगर हम पानी 3 बार 4 बार देते हैं पेपर के ऊपर तभी पेपर मेरा गीला रह सकता है, नहीं तो वो सूख जाएगा। हम अपने फार्म में दिखाते हैं झोपड़ी के अंदर, थोड़ा अंधेरा है लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि इस समय झोपड़ी को चारों तरफ से बंद रखना है कम से कम 25 दिन तक, क्योंकि हमें इसमें ऑक्सीजन अंदर जाने नहीं देना है, क्योंकि 25 दिन तक हमको खाली मशरूम ग्रो करने के लिए, स्पोन को जाला बनाने के लिए, माइसिलियम रन करने के लिए उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इस झोपड़ी को चारों तरफ से बंद रखते हैं, कोई भी हवा, बाहरी हवा का हम आदान प्रदान अंदर झोपड़ी के अंदर नहीं करते हैं, इसलिए अंधेरा है कमरे के अंदर, अंधेरा भी रखना जरूरी होता है मशरूम उत्पादन करने के लिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे किस प्रकार हमने पानी मारा जो है मार रखा है झोपड़ी के अंदर, किस प्रकार पानी का स्प्रे करना है, आइए हम दिखाते हैं आपको। ये झोपड़ी बंद है एकदम और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक दरवाज़ा हम खोल देते हैं ताकि वीडियो आ सके, वैसे अंधेरा है एकदम, लेकिन अब हम गेट से ही आपको वीडियो से कोशिश करेंगे कि आप लोग देखें। ये मेरा नाजिल है जिससे हम पानी स्प्रे करते हैं, ये बहुत ही हल्का फुहारा छोड़ता है और जब हम मशरूम हमारा ग्रो करने लगेगा केसिंग तक तो हम इससे पानी मारेंगे और जब मशरूम ग्रो करने लगेगा तो हम ये नाजिल बदल देंगे, उसमें हम और भी हल्का वाला नाजिल का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा पिन हेड जो है ना सूखे, पिन हेड पीले ना पड़े, गले ना। अभी तो फिलहाल इसका हम प्रयोग करते हैं क्योंकि अभी हमें को पानी स्प्रे करना है। ये पेपर ढका हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पेपर पे हम इस प्रकार पानी का स्प्रे करते हैं, हल्के हाथ से पानी मारेंगे, मुश्किल से। इतनी बड़ी झोपड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड लगा रखा हमने और ये 4 बेड लगाने में सिर्फ हमारा मुश्किल से 2.5 से 3 टंकी पानी, यानी मान के चलिए 40 लीटर पानी का ही प्रयोग हम एक बार में करते हैं, 40 से 50 लीटर, 50 नहीं पूरा होता है, लगभग 35-40 लीटर में ही मेरा पूरा रूम पानी का स्प्रे हो जाता है, क्योंकि अभी पानी का बहुत कम ही आवश्यकता पड़ता है, जब केसिंग हो जाएगी उसके बाद पानी का स्प्रे ज़्यादा पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार हम पानी का स्प्रे करते हैं, इस प्रकार पानी का स्प्रे करते हैं। पानी का स्प्रे कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार पानी का स्प्रे हमारा, ये चारों मंजिल पे आराम से हम स्प्रे कर सकते हैं और इस प्रकार पानी हम डालते रहते हैं। इस प्रकार हम पानी का स्प्रे हल्के हाथों से, क्योंकि पेपर उड़ने लगता है
इसलिए हम हल्के हाथों से ही स्प्रे करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही इसको कम ज़्यादा कर लेते हैं हाथ से ही, बहुत ही हल्के, क्योंकि पेपर ना उड़े। इस प्रकार दोस्तों पानी का स्प्रे हमें करना है, और जैसा कि आपको दिखाने की कोशिश हमने की है किस प्रकार मेरे बेड लगे हुए हैं, और बिजाई अभी हमारी मुश्किल से आज 28 तारीख है और 4 दिन हुआ है बिजाई का। लेकिन दोस्तों ये जो है हमारा जाला पड़ने लगा है, जो हमने इस फोन डाला था, आप जैसा कि देख सकते हैं ये जाला जो है थोड़ा थोड़ा ये फैल रहा है, बहुत ही हल्का अभी दिख नहीं रहा वीडियो में। और इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार हम जो है पानी का स्प्रे करेंगे पेपर के ऊपर, कम से कम 3 बार दिन में करना ही करना है। पेपर को एकदम गीला रखना है, अगर पेपर सूख जाएगा तो हमारा जो है कंपोस्ट अच्छा माइसिलियम रन नहीं करेगा और हमारे जो स्पोन हैं वो मर जाएंगे। और इस प्रकार हम पानी का स्प्रे करते हैं, और हमारी ये दूसरी ढेरी भी तैयार हो रही है। ये अगली टर्न के लिए हमने कंपोस्ट बनाने का चालू कर दिया है कार, और ये ढेरी बन गई है। इसकी 6ठे दिन पलटाई होगी, पहली पलटाई हमारी 6ठे दिन होनी है, और लगभग इसकी बिजाई हमारी एक महीने तक हो जाएगी, जो हमारा मशरूम लगभग जनवरी से शुरू होगा इसमें निकलना। और ये मशरूम हमारा मुश्किल से 25 दिन में जो है मार्केट में जाने लगेगा। और आप सभी किसान भाइयों दोस्तों से हमारा निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको पहचान मिलेगी, लोग जानेंगे। बहुत सारे वीडियो होंगे जिसको आपने देखा होगा, बहुत ही हाई पैमाने पे वीडियो होते हैं जिसको हमको जानना समझने में दिक्कत होती है। हम आप सभी किसान भाइयों को एक अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में, एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार किसान भाई।